आयकर विभाग ने आधार को पैन से लिंक करना जुलाई से जरूरी कर दिया है। डिपार्टमेंट के इस नियम से कई लोग अपने आधार को पैन से लिंक कराने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा नहीं करने से उन्हें आगे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कई लोगों को डिपार्टमेंट ने आधार को पैन से लिंक कराने में छूट दे रखी है। इन लोगों में NRI, भारत आए मेहमान, 80 साल से ज्यादा आयु के लोग शामिल हैं। इसके अलावा असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर राज्य के निवासियों को भी आधार पैन लिंक कराने की किसी तरह से कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये छूट तभी मिलेगी जब इनका आधार कार्ड ना बना हो। GST लागू होने के बाद आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए मैन्युअल रूप से आधार कार्ड को पैन से जोड़ने के लिए एक फॉर्म जारी किया है। इससे पहले ऑनलाइन और SMS के जरिए भी आधार संख्या को पैन से जोड़ा जा सकता है। करीब 30 करोड़ पैन धारकों में से करीब 25 करोड़ के पैन को आधार नंबर के साथ जोड़ दिया गया है। इनमें से 1 करोड़ पैन पिछले महीने ही आधार से जोड़े गए हैं, जबकि आधार कार्ड संख्या करीब 115 करोड़ लोगों को आवंटित की जा चुकी है। यानी जिनके पास भी पैन नंबर पहले से है और आधार भी है, उन्हें अब इन्हें जोड़ना होगा। और ऐसे लोग जिनके पास पैन नंबर नहीं है, वो अगर इसके लिए आवेदन करेंगे तो उन्हें फॉर्म में अपना आधार नंबर भी देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।